बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अब तक आपके सामने बतौर संविधान निर्माता और सिर्फ दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता के तौर पर पेश किया गया। क्या यह आपको जानकारी देने वालों की साजिश थी, या फिर वोट बैंक की राजनीति करने वाले नहीं चाहते थे कि आप और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व जाने? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जातियों की सीमा में बांधना और सिर्फ दलितों के मसीहा के तौर पर पेश किया जाना उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो आज हम आपको भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण व्यक्तित्व को जानने वाली एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहे हैं, ताकि आप ये जान सकें कि समाज के हर वर्ग को सम्मान के साथ जीने के अधिकार की सोच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। ये गुलामी से संघर्ष करते भारत की तस्वीर है। इस संघर्ष में न जाने कितने भारतीयों ने अपना बलिदान दे दिया। माया बलिदानों की इस वेदी से मिली स्वतंत्रता के बाद यह कहा जा सकता है कि हम आजाद हैं। लेकिन देश के हर नागरिक को उसका हक मिलने की लड़ाई आज भी जारी है। देश में समान अधिकार, यह सपना पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। आजादी के बाद कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन सत्ता के अंधे प्रेम में राजनीतिक पार्टियों ने बाबा साहब के इस सपने को वोट पाने का एक फॉर्मूला बना लिया। डॉक्टर अंबेडकर को कभी महात्मा गांधी से विचारों की लड़ाई में व्यस्त रखा गया, तो कभी धर्म के बंटवारे में उलझा दिया गया, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। आज इतिहास के पन्नों को फिर से पलटने का मौका है, ताकि हम जान सकें कि कैसे भीमराव अंबेडकर ने घोर अपमान और तिरस्कार के बावजूद सबको सुख देने वाले आजाद भारत का सपना देखा था। बाबा साहब अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब अंबेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबा साहब अंबेडकर अपने मान सम्मान मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित होकर के भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए थे। उनके बनाए गए संविधान और कानून में वो कौन कौन से अधिकार हैं जिनसे समाज के हर वर्ग को सम्मान से जीने की आजादी मिल सके? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी के कई वो राज हैं जो हमसे दूर रखे हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को जातियों की सीमा में बांधना और उन्हें सिर्फ दलितों के मसीहा के तौर पर पेश किया जाना उनके साथ अन्याय होगा। बाबा साहब अंबेडकर की कोशिश इन सब से ऊपर भारत के हर वर्ग को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाने की थी।
हम लोग बाबा साहब को बहुत अन्याय कर देते हैं जी। उनको दलितों का मसीहा बना करके तो घोर अन्याय करते हैं। बाबा साहब को ऐसे सीमित न करें, वे अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। अपनी पढ़ाई के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत दो तरह की गुलामी में जकड़ा हुआ है। पहली, अंग्रेजों की दमन और अत्याचार की गुलामी, तो दूसरी तरफ जाति और वर्ण व्यवस्था से अपमान और तिरस्कार सहने की गुलामी। अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरा देश खड़ा था, तो दलित और शोषित लोगों के अधिकारों के लिए अकेले भीमराव अंबेडकर समाज के उच्च वर्ग और कांग्रेस से संघर्ष कर रहे थे। महात्मा जी के तरीकों की गहराई को समझना हम सामान्य जनों के बस में कहा, लेकिन महात्मा भी कोई अमर व्यक्ति नहीं है, ना ही कांग्रेस। एक प्रखर, एक बुद्धिजीवी, हर से किसी भी एंगल से आप देखें, अच्छा एक सशक्त राजनीतिज्ञ, तो इस तरह का व्यक्ति जब कंपटीशन में आता है किसी के भी, तो उन लोगों को ये लगने लगता है कि हमारा जो स्पेस है, हमारा जो स्थान है, वो खत्म हो जाएगा और वो उस स्थान को पा सकते हैं। तो इसीलिए इनको इस तरह से सीमित किया जाए और इन्हें आगे न बढ़ना दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि देश की तरक्की के लिए देश के हर वर्ग को समानता का अधिकार मिलना जरूरी है, इसलिए दलितों को भी राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होने का अधिकार मिलना चाहिए और अलग से आरक्षित सीटों की मांग की। लेकिन कांग्रेस दलितों को ये राजनीतिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं थी। गांधी जी का तर्क था, इससे समाज में सवर्ण और दलित वर्ग की दूरी और बढ़ जाएगी, जबकि दोनों ही हिंदू समाज के अंग हैं। जबकि कांग्रेस मुस्लिम और सिख समुदाय को अलग से निर्वाचन अधिकार के विरोध में नहीं थी। कांग्रेस के इस दोहरे रवैये का डॉक्टर अंबेडकर ने लंबे समय तक विरोध किया, जिसकी वजह से 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड में दलितों को अलग से निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार दे दिया। ये डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष की पहली जीत थी, तो कांग्रेस ने इसे अपनी बड़ी हार और अपमान समझा, जिसकी वजह से अगले दिन 18 अगस्त 1932 को गांधी ने दलितों को मिले निर्वाचन के अधिकार के विरोध में 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी। ये डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक गंभीर स्थिति थी। एक तरफ गांधी जी के पक्ष में एक विशाल शक्तिशाली हिंदू समाज था और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर के साथ सिर्फ दलित समुदाय। अपने जिद पर अड़े महात्मा गांधी की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में डॉक्टर अंबेडकर पर गांधी जी की जान बचाने का दबाव बढ़ने लगा। अंत में डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथियों को दलितों के अलग से निर्वाचन के अधिकार की बलि देनी पड़ी और सवर्ण हिंदुओं से 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट कर लेना पड़ा। हालांकि पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए कम्युनल अवार्ड में सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 78 से 151 कर दी गई, लेकिन अब डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के बनाए इस चक्रव्यूह में फंस चुके थे। गांधी भी एक ऐसे कांग्रेसी नेता थे निश्चित तौर पे, जो दलितों के प्रति हितेशी थे, अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन गांधी जी का मार्ग और डॉक्टर अंबेडकर का मार्ग अलग अलग था। दोनों का लक्ष्य शायद एक हो सकता है, लेकिन दोनों का मार्ग अलग था, रास्ता अलग था। मेरा यह मानना है गांधी जी ने शायद उन कटु अनुभवों को सहा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, इसलिए वो चाहते कि धीरे धीरे परिवर्तन होगा इस समाज के लोगों में। 13 अक्टूबर 1935, नासिक। पुनः समझौते के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने
हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला कर लिया और सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी कि मेरा जन्म भले ही हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मेरी मृत्यु एक हिंदू के रूप में नहीं होगी।